हेलो, हाय शिवानी, कैसी हो? एकदम बढ़िया हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। आज तुम्हारा वर्कशॉप है ना? अरे हाँ, चलो चलना है। मम्मी नीलाज का वर्कशॉप है हमारा, चलो लेट्स चलते हैं। गो। मैं थोड़ा सा आपको कुछ पूछना चाहूंगी, जैसे आपने मेकअप के बारे में, जब मेकअप जब सुनते हैं तो क्या आपके दिमाग में आता है? नेल्स जब आप सोचते हो या आप जो फेसबुक पे इंस्टा पे देख रहे हो, आप लोग क्या देख रहे हो, क्या सीखने का मन करता है, क्या करने का मन करता है? किसी ने देखे हैं वीडियोस, क्योंकि मैं बहुत देखती थी, मेरे जितने साथ में यंग लोग थे वो देखते थे बहुत, किसे कैसे करना है। आपने कभी भी देखा है, वीडियोज देखे हैं किसी ने? क्या मैजिक कर दिया, हम भी ये करके देखते हैं। जिसमें से एक बहुत यूनिक सी चीज है, यूनिक नहीं है, विच इज मार्बलिंग, वाटर मार्बलिंग। आपने देखा होगा कि पानी का एक कप लिया, उसमें अलग अलग डिजाइन हुआ है, फिंगर डिप किया एंड डन। ओ माय गॉड, उसके बाद वो अगर वो ट्राई किया हुआ किसी ने भी, यहाँ पर इट्स नॉट इजी, इट्स मेसी जॉब। मतलब दो चार बार मैंने ट्राई किया, मैंने फेंक दिया कि मुझे ये नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू दिस। ऐसा मैंने किया है, आप लोगों ने किसी ने भी ट्राई किया है? और कुछ ट्राई किया, स्पॉन्जेस से कुछ किया है? किया है। उसका फिनिशिंग कैसा आया? लेकिन वो करना कैसे, उसके टूल्स क्या होते हैं, ये हमें नहीं पता है। और हमें लगता है कि घर में यार नेल आर्ट ही तो है, और तो बील घर में जो है ना विद द नेल ब्रश, नेल ब्रशेस एंड द नेल पेंट, यस, बट हाउ टू यूज इट एग्जैक्टली टू गेट दैट फाइनल आउटकम। हम यूज तो करते हैं लेकिन वो फाइनल जो पिक्चर में दिखाते हैं और वीडियोस में दिखाते हैं वो आउटकम मिलता नहीं है, राइट? तो उसे कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगी इस कोर्स में। दो तीन लेवल है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं बस ये बताना चाहती हूँ पहले कि नेल आर्ट तीन कैटेगरीज में बटा हुआ है। पहला बेसिक नेल आर्ट, दूसरा जेल नेल आर्ट, तीसरा एक्सटेंशन। ठीक है, आपको बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक नेल आर्ट जो आपके नेल कलर लैक्मे हो गया, कलर बार हो गया, इसको आप लगाते हो एज अ बेस, उसके ऊपर नेल आर्ट करते हो, वो पूरी कैटेगरी बेसिक में आती है। देन नेल पॉलिशेस में और एक कैटेगरी है, जेल नेल पॉलिश। डिफरेंस में बताती हूँ, जो आपके बेसिक नेल कलर्स हैं कलर बार लैक्मे के, आपने कुछ भी काम किया चिप हो जाते हैं। इसके बाद आता है जेल नेल पेंट, जो आपके कम से कम 10-15 डेज रहते हैं। ठीक है, उसका ना शाइन जाता है, आप कुछ भी कर सकते हो उससे, मतलब हाथ से जो भी काम करोगे ना शाइन जाएगा, ना उसकी लॉन्गिटी या फिर चिप होगा, चिप ही नहीं होगा, दैट इज जेल नेल। देन कम्स एक्सटेंशन, जैसे ये मेरे एक्सटेंशन है, ठीक है, एंड ये मेरा रेगुलर हैंड, मैंने ये डिफरेंस रखा है स्पेशली तो मैं लोगों को दिखा सकूं। हम अक्सर मतलब सोचते खुद के नाखून बढ़ जाए, विच इज इम्पॉसिबल टास्क, यहाँ पर फिर भी लोगों के नाखून बहुत अच्छे हैं, बट आफ्टर सर्टेन एज इट्स इम्पॉसिबल टास्क। तो आप उसके लिए सोल्यूशन देते हो लोगों को नेल एक्सटेंशन, जो आप खुद के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, सो व्हेन यू विल प्रमोट योर ब्रांड, हाउ यू विल प्रमोट इट,
that will show on your food as well as on your personality, right? So personality में वो makeup, वो nail art, वो पूरा combo है. हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग हमारी चीज खरीदें, क्योंकि बोलते हैं first impression is the last impression. So deeply I don't believe it. So it is not the last impression, but that will be very powerful impression. Very important. It's not last, but you never know, you will get second chance or not. Make the most out of it, right? तो वो पूरा पैकेज देना जरूरी है. इसलिए बेसिक कोर्स जैसे उनका मेकअप का है, सेल्फ मेकअप का है, इसके साथ नेल आर्ट इसलिए मैंने कॉम्बो किया. एंड देन कम्स द जेल, जो मैंने आपको सेकंड कैटेगरी जेल बताया. दैट इज सेमी प्रोफेशनल कोर्स, आई विल से इट्स अ सेकंड लेवल सेमी प्रोफेशनल कोर्स, बिकॉज यू कैन डू इट ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर कर सकते हो. एंड यू कैन डू इट फॉर लाइक टू अर्न मनी for your different kind of clientele. अगर आप makeup artist बनते हो तो you can do it for your bride, for different client you have, उनके ऊपर भी कर सकते हो. एंड देन इसका प्लस पॉइंट ये है, ये पहला स्टेप है प्रोफेशनलिज्म नेल आर्ट की तरफ बढ़ने का. अगर आप पहला ये स्टेप नहीं करोगे तो इसके बाद एडवांस स्टेप आता है, वो आप नहीं कर सकते. एडवांस स्टेप जो एडवांस कोर्स है वो आपको बताऊंगी, लेकिन वो मैं तब तक आपको नहीं दे सकती जब तक कि आप ये फर्स्ट स्टेप नहीं करते. बेसिक आपके खुद के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, एंड देन द फर्स्ट प्रोफेशनल कोर्स, फर्स्ट स्टेप. इफ यू वांट टू गो प्रोफेशनली इनटू नेल आर्ट, वो इंटरेस्ट वाली बात है कि इंटरेस्ट है कि नहीं. इंटरेस्ट वाली बात है, आप अगर वो करते हो साथ में तो आप एडवांस कोर्स में जा सकते हो, जिसमें कि नेल एक्सटेंशन आते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ नेल एक्सटेंशन आपने देखा होगा, फोम लगाया, नेल एक्सटेंशन बनाया, देन दे हैव आवर 3D नेल आर्ट, एयरब्रश नेल आर्ट, दैट इज एडवांस. ठीक है, क्या लगता है कि नेल आर्ट आपको अच्छा लग रहा है या फिर थोड़ा क्यूरियोसिटी है, स्पेशली आप सब बच्चों को? क्या लगता है, क्या समझ में आपको नेल आर्ट? मैंने बहुत जल्दी जल्दी में शॉर्ट में समझाया. The normal extensions are, I don't prefer so much of designs, but the normal shapes and colors. Would you like to do it yourself, on yourself, like? Yeah, अपने लिए भी अच्छा है. Okay, that you can do. What about the basic course? Only the nail paint and nail paint and nail art, which I'm saying. Regular nail paint, regular nail art. No, no, be very honest. Yeah. See, something where I'm giving you something, you're giving me back something. Okay? Okay, that is plus. Yeah. Anything else to your try kiya nail art? I have a given how to keep my hands so clean and very impressive by doing something. My nails should look very clean and that will cover in the basic course कि अपने हाथ का ख्याल कैसे रखना है. ठीक है, मैनिक्योर, बेसिक मैनिक्योर मैं आपको बताऊंगी. थिंग्स यू कैन यूज एट होम विद होम, जो होमली चीजें हैं, होम रेमेडीज एंड इफेक्टिव होम रेमेडीज, नॉट एट ऑल की जस्ट देखा और कर लिया, विच आई हैव डन ऑन माई क्लाइंट्स एंड आई नो हाउ इट इज इफेक्टिव. वो सेल्फ मैनिक्योर करना बहुत जरूरी है. ब्यूटीफुल नेम, वेरी स्ट्रांग स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल नेम, यू शुड गेट दैट फॉर हर आल्सो. माय नेल वाज ब्रोकन एंड शी हैज फिक्स्ड इट. ओके, लेट देम टेल व्हिच वन. The nail was broken from the rim, I can tell you. Please tell me which one she has. No. The middle one she has, you know. मैं वो आपके हाथ में डालती हूँ कि आपको पांच चीजें क्या सीखनी है. फ्रेंच नेल तो बहुत ही फेमस है, सबको अच्छा लगता है, वो व्हाइट व्हाइट ऊपर दिखता है. उसे करना कहते हैं, उसके लिए टूल्स आते हैं, स्टिकर आता है जिसे आप चिपकाओगे, बट उसे कब और कैसे चिपकाना वो मैं बताऊंगी. और उसके साथ वो फ्रेंच नेल परफेक्ट कैसे बनाना है, किसी में बड़ा हो फ्रेंच हो गया, किसी में छोटा हो, इट इज ऑल प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस कैसे करोगे आप मेरे साथ? देन ये प्रोडक्ट्स खरीदने कहाँ से? ये प्रोडक्ट्स क्योंकि अमेजोन में इतने सारे सेलर्स हैं, यू नेवर नो कौन सही बेच रहा है, कौन क्या गलत बेच रहा है, राइट? वो मैं आपको बताऊंगी कि नेल आर्ट का